सॉरी अगर तुम लोग 8 दिन से नहीं सोए हो तो रियली सॉरी, बट मैं चाहता था कि मेरे बच्चे अलग से देखे, चमके, चाहे अंधेरा हो चाहे दिन हो, मेरे बच्चे जिस क्लिनिक में खड़े हो जाए ना छोड़ रहे हैं, चाहे उनका अपना क्लिनिक हो, चाहे वो किसी के नौकरी कर रहे हो, तो एम्प्लॉयर कहे भाई तेरे को जो चाहिए वो ले ले, तू छोड़ के ना जा। दिस इज हाउ आई वॉन्ट माई किड्स टू बी। एंड आप सब लोग बहुत सपोर्टिव थे, सच में बहुत सपोर्टिव थे। और शुरू से मतलब कहाँ यार, 3 दिन 3:30 बजे लंच दे रहा था मैं तुम लोगों को, आज भी हमने 4:15 बजे लंच ब्रेक दिया है। यस सर, किसी को नहीं पता लगता सर, और 15 मिनट में लंच खत्म। सर आपकी आवाज में एनर्जी है सर, मतलब रात भर सोने के बाद भी नींद नहीं आ रही है। रात भर सो रहे हो 8 दिन से? मैंने बोला था पहले दिन मैं खून चूस लूंगा, चूस लिया ना तुम तो। चले गए जहाँ पर मोबाइल नहीं है, ये आपने एहसास दिलाया। सर क्रश को भी मैसेज नहीं किया, तुम वीडियो कैसे देख रही थी? ग्रेट ग्रेट, आई लव यू ऑल सो मच। Now, if anyone wants to give feedback, anyone wants to give any feedback or share your experience, yes, sir. Sir, मेरा CMT, मैंने पहले भी इससे बताया था कि CMT bachelor degree जब हम लोग कर रहे थे तब से मेरा सपना था कि जब भी मौका मिलेगा मुझे तो मैं CMT ज़रूर करूँगा। दीपक सर से पढ़ने का कभी मौका मिले तो मैं वो ज़रूर करूँगा। जितने भी फ्रेंड्स ने किया उनने बताया कि बहुत अच्छा होता है वर्कशॉप, एक बार लाइफ में ज़रूर करना चाहिए। तो मन में था कि हाँ कभी मौका मिलेगा तो करूँगा। मौका मिला आज इतने सालों बाद। आई एम 9 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आई एम हैविंग आफ्टर माई बैचलर्स। तो आज जब मैंने वर्कशॉप अभी किया तो करने के बाद रियली वही फील पाया कि हर एक फिजियो को ये वर्कशॉप ज़रूर करना चाहिए लाइफ। आपको फील आती है कि यार हम कितना और कुछ कर सकते हैं, कितनी चीजें हमने पीछे छोड़ी हैं, ये कितना इजी वे में हम असेसमेंट और ट्रीटमेंट दोनों कर सकते हैं, और कितना मजे के साथ मतलब फन के साथ आप इतना लर्न कर सकते हो। इतना सारा ऐसा लगता है 2-4 साल का सिलेबस एक साथ आपने 8 दिनों में पढ़ लिया हो, और वही फील है कि हम 8 दिन से जानते हैं तो ऐसा लग रहा है। तो ये फील आती है कि यार ये कितने सालों का सिलेबस हमने 8 दिन में खत्म कर दिया, और इतने इजीली खत्म कर दिया। ओ माय गॉड, इतना पढ़ा, 24 घंटे सिर्फ पढ़ाई, नो मोबाइल, नो फेसबुक, नो इंटरनेट, नो इंस्टाग्राम, नथिंग। सुबह 24 आवर्स ओनली लर्निंग एंड लर्निंग। नींद में भी दीपक सर ही दिखते हैं, सर ही दिखते हैं, नींद में भी एक लाइट चल रही होती है, और वो मजा आता है लाइफ। और लास्ट डे जब हम लोग सब जा रहे होते हैं तो वाकई में ऐसा लगता है कि हम ना जाएं और ये वर्कशॉप यहीं बैठे रहे। लिटरली सर आज ऐसा लग रहा है कि ये दिन खत्म नहीं होना चाहिए। आप इमोशनल कर देते सर सच में सबको 8 दिनों में। पता नहीं क्या आप देते हैं 8 दिनों में ऐसा कि ऐसा लगता है कि ये दिन खत्म नहीं होने चाहिए। हर इंडिया की हर यूनिवर्सिटी को या सारे फिजियोथेरेपी कॉलेजेस को जो आप 8 दिन में पढ़ाते हैं वैसा ही टेक्निक जो आप लर्निंग फन के साथ जो लर्न करना सिखाते हैं बच्चों को या जिस मेथड से आप पढ़ाते हैं वो मेथड हर यूनिवर्सिटी को हर फिजियोथेरेपी कॉलेज को अडॉप्ट करना चाहिए। उस मेथड से अगर हर कॉलेज पढ़ाएगा ना सर तो फिजियोथेरेपी में बच्चे कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। हम 8 दिन में ऐसा लग रहा है सबको कि यार कहाँ से कहाँ पहुँच गए, वाओ व्हाट एक्सपीरियंस। तो मेरे बच्चे अलग से चमकते हैं सर, हमारी स्किल्स मतलब एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गई। अभी जैसे कि डॉक्टर मोहित मदान, अभी डॉक्टर करुणा आई यहाँ करने के लिए, तो मैंने अभी परसों उनसे बोला कि नेक्स्ट टाइम जब भी होगा ना, अभी करुणा ने कर लिया है, अभी नेक्स्ट टाइम तो जरूर करना भाई। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हर फिजियो के लिए मस्ट है, ये करना ही करना है लाइफ में।
थैंक यू वेरी मच सर. मतलब जितना हम दिल से आपको थैंक यू कह सके वो शब्द मेरे को कम लग रहे हैं बहुत. थैंक यू वेरी मच सर. थैंक्स अ लॉट. बोलो ना माँ. सर लास्ट टाइम ना मेरे डैड ने मुझे साइकिल सिखाई थी जिसमें नागुन आगुन सब फोड़ लिए थे, बट मैं एक हफ्ते में साइकिल सीख गई थी सर. उसके बाद आज जाके किसी ने इतने प्यार से पढ़ाया सब. कोई बच्चा ना घर से माँ बाप ने जबरदस्ती भेजा हो कि जा कुछ नया सीख के आ, पढ़ के आ, और वो आ जाए यहाँ और सोचे यार 8 दिन टाइम पास करना है, खाना पीना है, घर जाना है, लेकिन वो आ गया कसम खा के आया कि मैं नहीं सीख के आऊंगा, पर यहाँ आने के बाद वो सीख के ही जाएगा. ऑप्शन ही नहीं है उसके बाद कि वो ना सीख के जाए. पॉसिबिलिटी नहीं है कि कोई यहाँ से यहाँ आने के बाद ना सीख के जाए. एग्जाम की जरूरत ही नहीं है सर. एग्जाम रियल में मैंने तुम्हारा लगातार एग्जाम लिया, लगातार एग्जाम हुआ. एंड दिस वाज आल्सो एग्जाम एक्चुअली, सो आई वाज चेकिंग वेदर यू कैन रिकॉल इट और नॉट. सो व्हेन यू पास एक्चुअली देन ओनली आई पास. इफ यू डोंट एंड इफ यू डोंट पास आई डोंट पास. वेरी सिंपल. टीचर पास ओनली व्हेन स्टूडेंट पास. सो यस यू ऑल कुड रिकॉल. सो आई वाज हैप्पी. आई वाज हैप्पी. हां जी सर. सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर. आज जाके पता चल रहा है कि मैनुअल थेरेपी भी अपन क्या कर सकते हैं. सबसे जरूरी चीज तो ये कि इसके पहले हम यही देख रहे थे हमारे फिल्म, अच्छा डिस्क ऐसे निकल रही है या डिस्क ऐसे निकल रही है, या फिर सबसे जरूरी रिपोर्ट लाए हो आप. आपको तो जरूरी है कि रिपोर्ट लेना चाहिए, पर आपने जो MRI में डिज्नीलैंड बनाया है, सच्ची बता रहा हूँ, लिटरली बता रहा हूँ सर. कोई टीचर इतने माइन्यूटली डिज्नीलैंड बना के MRI पढ़ा दे तो मैं नाम बदल दूँ, कोई नहीं पढ़ा सकता. और उसमें भी उसके बीच में लिप्स भी डाल दिए, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी डाल दिए, मियां बीवी भी डाल दिए. मतलब इंसान याद कैसे नहीं करे इतने सारी चीज देख के. अरे अरे ऐसा भी कुछ हो सकता है. हाँ याद गाने गाने और मजे की चीज. आप हर कंडीशन को गाने के साथ. हाँ उस गली जाना ही क्यों जिस गली अपना कोई मकसद ही ना हो. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. सर सबसे पहले तो जब लोग ग्रेजुएशन कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं और जब फील्ड में आते हैं तो उन्हें पता ही नहीं होता कि एग्जैक्टली फिजियोथेरेपी है क्या. तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जितने भी न्यू बॉर्न फिजियोज या बडिंग फिजियोज हैं उनको एटलीस्ट एक बार आपकी वर्कशॉप अटेंड करनी चाहिए, क्योंकि उन्हें पता चलेगा कि फिजियोथेरेपी एग्जैक्टली कितनी ब्यूटीफुल है. ये मुझे लिटरली नहीं पता था कि फिजियोथेरेपी में ऐसा कुछ भी होता है. वर्कशॉप ने मेरी दो चीजें चेंज कर दी. पहला तो मेरा एटीट्यूड, दूसरा मेरा जो प्रोफेशनलिज्म जो मेरे अंदर नहीं था कि अरे यार फिजियोथेरेपिस्ट मैं कैसे खड़ा हो जाऊंगा वहां जाकर. बट अब ये कि अगर मैं कभी किसी भी डिपार्टमेंट जाऊंगा एक्सेप्ट फिजियोथेरेपी तो मैं वहां पे ऐसे खड़ा हो सकता हूँ कि यस मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ. फिजियोलॉजी They cannot change physics, always remember. हमारा सब्स्टिट्यूट ही नहीं है. है तो लाओ. लाओ. So firstly, I want to thank you and Tanmay sir for making the videos. Basically, it really helped us a lot. जो हम अभी तक ट्रेडिशनल वे में पढ़ रहे थे आपने बिल्कुल ही उससे अच्छा मतलब बिल्कुल चेंज वीडियोस मेनली एनिमेशन of the spine जैसे MRI होता है जो एनिमेशन डाले हैं they all are very impressive and really helped a lot. Second thing आपने हमारा outlook ही चेंज कर दिया. मतलब हम लोगों को एक प्राउड फील तो है बट हमको एक professionally clinicians के लिए जैसे भी कैसे बिहेव करना है पर्सनैलिटी पे कैसे वर्क करना है बियॉन्ड फिजियोथेरेपी हमें पेशेंट के आगे कैसा हमारा एटीट्यूड होना चाहिए डॉक्टर्स के आगे हमारी बेस लाइन क्या होनी चाहिए. You really improved our personality. So that is the main thing. All of you
मेनली आपने ये नहीं मतलब कि लैंग्वेज ठीक है, कम्युनिकेशन होना चाहिए आपका, जो कॉन्फिडेंस आपने हम लोगों में जगाया है ना कि आगे जाना है, रियली सर इसकी कोई जगह नहीं है. मतलब ये अलोंग विद फिजियोथेरेपी, मैनुअल थेरेपी तो है ही, कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है, बट ये चीजें भी हर किसी, हर गुरु नहीं सिखा सकता हमें जो आपने. थैंक यू सर. सर मैंने जब मैं बहुत ज्यादा कॉलेज में थी जब मैं बिल्कुल नहीं बोलती थी, बट जब मैंने इंटर्नशिप स्टार्ट की उसके बाद में मुझे पता लगा कि हमारा प्रोफेशन ऐसा है कि हमें पेशेंट से इंटरेक्ट करना ही पड़ेगा. और आपने और तन्मय सर ने इतना अच्छे से वो सब चीज़ें बताई, क्योंकि मैनुअल थेरेपी हमें पेशेंट के क्लोज भी जाना है और हमें हर तरीके से पेशेंट को डील करना है, तो कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे बात करना है. आपने सॉफ्ट स्किल्स पे इतना वर्क किया है ना, वो आगे बहुत काम आने वाला है. और मैनुअल थेरेपी तो है ही, मुझे स्पाइन में बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था, अभी मैं बिल्कुल बोल सकती हूँ कि मेरे पास कोई एक्सट्रूडेड केसेस भी आ गया ना, मैं उसको भी ट्रीट कर सकती हूँ. थैंक यू. हमने आपको लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी किया, जो दहेज में मिला था सारा वापिस पहुंचा देना. There is a saying, to become best, learn from the best. We all have learned from the best, so better to hum in Antonov mein ho hi gaye hain. Yes, sir. If you were not best, I would not have left you. Because we are following the best. Best. Yeah. Yeah. शुरू हो रही है. अब मैंने आपको सिखा दिया है. यू स्टे इन द ग्रुप एंड यू डू द केस स्टडी, यू ट्रीट द पेशेंट, एंड वेन एवर यू आर गेटिंग द रिजल्ट शेयर इट इन द ग्रुप. वेन यू आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट अगेन शेयर इट विद योर वीडियो. सो वी ऑल विल करेक्ट यू कि तेरा एंगल गलत है, तेरा फोर्स गलत है, तेरा ये सही है, वो सही है, इसका ये चेक किया क्या, वो चेक किया क्या. सो विल हैव लॉट ऑफ डिस्कशन. फिर प्रैक्टिकल वर्कशॉप शुरू होगी. अब तक हमने एक दूसरे प्रैक्टिस करी है, अब हम ये समझ लो कोरोना वाले स्टाइल से सीखेंगे. अब ऑनलाइन वाला ग्रुप में रह के पेशेंट को ट्रीट करके एक दूसरे से डिस्कस करके. सो रियल वर्कशॉप अब शुरू हो गया आपकी. एनीवन एल्स वांट्स टू से? थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच तन्मय सर. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे सारे स्टूपिड सवालों को ये बताने के लिए कि इट्स नॉट फॉर वन, इट्स फॉर ऑल. थैंक्स फॉर क्लियरिंग आउट दोज फाइन स्किल्स. मतलब होता ना, एक होती है कुर्सी, एक होती है आर्टिस्ट वाली कुर्सी. आज मैं आर्टिस्ट वाली कुर्सी तो बन गई फॉर श्योर. बहुत सारी छोटी छोटी गलतियां कर रहे थे हम लोग फील्ड पे, वो आपने बीच बीच में चाहे पन में या फन में, वो तो आपने बहुत बहुत प्यारी स्किल्स हमारी फाइनेस्ट करी है. जितनी पुरानी चीजें हम लोग नॉलेज में आ रहे थे कि हाँ ठीक है नहीं ठीक है, अब बहुत कॉन्फिडेंस. मतलब आज सुबह से मेरा कॉन्फिडेंस दिख रहा है कि अब तो सब आता है. और ये सिर्फ इस वजह से आता है सर, क्योंकि जब भी आपसे बोला सर पता नहीं क्या करने वाली, तो सर ने बोला तू कर लेगी. बट आज ऐसा लग रहा था आज आखिरी दिन, अगर आज भी सर को करके नहीं बताया कैसे हाउ कैन आई लेट हिम डाउन. और ये सिर्फ मैंने नहीं करा सर, इन सब ने. नहीं यार, इस लड़की के लिए ना जोर से And she did so. This is what needs to be learned. Anyone from here want to say anything? Yes, sir. So first of all, thank you so much. Almost सारी चीजें सबने बोल दी हैं, but मुझे जो सबसे अच्छा लगा सर, like we all have attended like various workshops, but योर वे ऑफ टीचिंग, लाइक उसी वक्त तुरंत, मतलब एक टॉपिक सिंगल एट ए टाइम कम्प्लीट करके उसी वक्त तुरंत टेस्ट लेना, और जब तक सामने वाले के घुस नहीं रहे दिमाग में. आई लाइक दैट टेक्निक. मतलब पॉइंट्स को हम अलग रखें तो दैट
टेक्निक वॉज दी बेस्ट कि मतलब आगे नहीं बढ़ रहे जब तक वो वाली चीज क्लियर नहीं हो रही है आगे नहीं बढ़ रहे बाकी तो हो गया सर ऑलमोस्ट सब थैंक यू सो मच सर सेम चीज था मेरे को भी मेरे स्पेशली सर्वाइकल में लाइक आई वॉज नॉट एट ऑल कॉन्फिडेंट बट आज जब करा करेक्शन आए ऐसे तुड़ुक तुड़ुक आवाज आई तो ऐसे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और आया सर थैंक यू सो मच तो बिल्कुल नहीं आता कुछ भी मैं अपने आपको डफर मानती थी आज मैं खड़ी रहूंगी 10 लोगों के सामने और मैं सबको आंसर करूंगी मुझे आपको पहले भी था बट उसके ऊपर सिर्फ सिर्फ धूल झाड़ने की जरूरत थी कॉन्फिडेंस बूस्ट कर दिया सिर्फ धूल झाड़ने की जरूरत आपको आता था चमक थी लेकिन पता नहीं था कि दिखाना कैसे है सो हमने सिर्फ हल्की सी प्यार भरी फूक मारी है एंड यू आर शाइनिंग डायमंड लाइक ए डायमंड इंटर्नशिप कंप्लीट किए मुझे 4-4.5 साल हो गए उसके बाद मैंने पेशेंट भी ट्रीट नहीं किया था ड्यू टू सम पर्सनल रीजन बट मैंने वर्कशॉप किया और उसके बाद फिर से एक कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं मैं कुछ भी नहीं भूली हूँ जो मैंने 4.5 साल में सीखा था ना उससे भी कहीं ज़्यादा मैं अब सीख चुकी हूँ और वापस वो कॉन्फिडेंस लेवल आ गया है मुझे ऐसा लगेगा कि मेरे गुरु चले गए मेरे पास लेकिन सर ऐसा लग मेरा मैं टू डू लिस्ट रखता हूँ अपनी एक लाइफ में कि मुझे ये अचीव करना है अब मेरी सर नेक्स्ट टू डू लिस्ट में ये है कि मुझे आपके सामने वाला बंगला खरीदना है और फिर मैं मुझसे पूछेगा ना कि कैपी सर की वर्कशॉप की है तो मैं बोलूँगा मेरे घर के सामने इससे पहले कुछ भी नहीं करा था मैं बहुत ज्यादा न्यू कमर थी एंड आई टोल्ड माई डैड मैं कुछ पार्ट टाइम गिग्स वगैरह करती हूँ आई टोल्ड माई डैड की नो आई वॉन्ट टू पे फॉर दिस दिस इज अ पार्ट ऑफ माई एडुकेशन एंड मेरा बहुत कॉन्शियस ये डिसीजन था और मैं बहुत नर्वस थी लाइक मैं 6-7 डेज तक भी बहुत ज़्यादा नर्वस थी बट नाउ आई एम अ बिट कॉन्फिडेंट कि यस ये डिसीजन मेरा अच्छा हाँ मतलब अब ये जब प्रैक्टिस में आएगा तब एक्चुअली पता चलेगा कि मैंने कितना रिटेन किया है बट आई वॉज सो अमेज सरप्राइज कि आप हमारे सीनियर्स थे जो हमसे 10 ईयर ज़्यादा एक्सपीरियंस थे कितने बड़े थे और हम बिल्कुल न्यू कमर थे आपने हमें साथ में कैसे मैनेज कर लिया और मेंटल प्रेशर भी दिया मज़े भी कराए पढ़ाया भी गाने भी कितने गाने सुनते हैं आप यू आर अ ग्रेट टीचर सर यू आर अ ग्रेट पर्सन एंड सो इज तन्मय सर इक्वली ग्रेट He's the Xerox copy, sir. Actual. Inspiration for us कि वो अभी इस टाइम में इतने अच्छे से टीचिंग कर रहे हैं तो हम लोग भी इसको बहुत फिनिश आउट कर सकते हैं जैसे तन्मय सर कर रहे हैं वैसे हम लोग भी कर सकते हैं He's the inspiration for us. सर इतने सर बीपीटी एमपीटी खत्म करने के बाद भी सर अभी तक मैं मतलब बैक पेन से बहुत डरता था सर मतलब मुझे समझ में नहीं आता था स्पाइन बहुत सारी किताबें पढ़ ली बायो मैकेनिक्स की किताबें पढ़ ली वो लिंक ही नहीं बैठता था कि कैसे कर रहा है किसी का कॉल आता था कि सर ये रेडिकुलोपैथी का पेन है या रेडिकुलर पेन है तो मैं कटने की कोशिश करता था कि कैसे तैसे थोड़ा इसको इधर बोलूँ कि कहीं और चला जाए या मेरे पास नहीं आए पर सर अब आपकी वर्कशॉप करने के बाद अब ऐसा है कि सर अब मैं तो किसी को भी नहीं छोड़ूंगा बैक पेन को नहीं छोड़ूंगा कॉन्फिडेंस बैक पेन में जो कॉन्फिडेंस है कि बैक पेन क्या होता है कैसे होता है MRI कैसे पड़ी जाती है
नो मोर मैकेनिकल लो बैक पे, ये डिस्क डिस्क है, डिस्क डिस्क ब्लड सप्लाई और उन सब चीजों से छोड़ के भी बहुत सारी ऊपर चीजें हैं, इंक्रीज इन ब्लड सर को पढ़ाया भी है और पढ़ा भी है, पर सर आप लोग जो है आप लोग अल्टीमेट है और सर आप लोगों से बहुत कुछ सीखना। सर तन्मय सर को मैं देखता था कि यार मतलब कितने मतलब इस एज में मतलब अगर वो 25 इयर्स के हैं और वो इतना अच्छा कर पा रहे हैं तो सर मतलब बहुत कुछ सीखने को मिलता है सर आपसे। थैंक यू सर। मैं बहुत डरता था, बहुत सालों बाद शायद मैंने बैठ करके ऐसे पढ़ाई करी होगी, नहीं तो मैं 11 बजे के बाद मेरे को रात में मैं जग नहीं सकता था, मैं अपनी शादी में नहीं जग पा रहा था, मुझे मैं मतलब 7-8 दिन से मैं भी नहीं सोया, मैं 2-3 4-4 बजे तक पढ़ता था, फिर उठ जाता था, एक तो पता नहीं शायद बहुत ज्यादा घबराहट होती थी कि अरे बाप रे आज भी नहीं दे पाएगा, तो हम तीनों को जब अलग किया तो रिसेट की हम लोग आपस ही बात करते यार अपन ही सब शायद गधे गधे सर वो तरुण हाँ तरुण आप और तन्मय सर सर थैंक यू सर थैंक यू सर अक्षय पाल सर के लिए हम आपको।